तो वेब डेवलपमेंट में हम HTML की क्लास की बात कर रहे थे, HTML की जो कोडिंग है हम कोडिंग सीख रहे थे, किस तरह से वेबसाइट बनते हैं। तो आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं ये है पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट जिसमें हम HTML की कोडिंग के बारे में जान रहे हैं। तो लास्ट क्लासेस में हमने हेडिंग्स, पी, स्पैन, प्री, इस टाइप के बारे में पढ़ा था। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बी टैग की, मतलब कि बोल्ड। आप देख पा रहे हैं कि ये आपका थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है, दिस इज एडवांस एक्स्ट्रा टैगिंग जो नीचे वाला है और नॉर्मल दिख रहा है, क्योंकि इसके आगे हमने बोल्ड का टैग नहीं लगाया है। अगर हमने इसके आगे बोल्ड का टैग लगा दिया, मतलब कि बी का टैग लगा दिया, बी और यहाँ पे बी ख़त्म कर देता हूँ मैं, स्लैश बी, तो हमारा बोल्ड हो जाता है। तो कैसे इफेक्ट होगा, पहले फाइल को सेव कीजिए, जिसको कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे F5 कीजिए, या फिर ये जो रिफ्रेश का आइकन है इस पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए आपका बोल्ड हो। तो एक तो हुआ कि आप जो टाइटल लगाते हैं, जब आप हेडिंग टैब देते हैं, जैसे हमने हेडिंग H1 दिया, तो वो ऑलरेडी बिग साइज और बोल्ड होता है। बट हर चीज़ को हम जो है नहीं दे सकते, हमने कोई पैराग्राफ लिखा और उस पैराग्राफ के अंदर जो है हमें कुछ चीज़ों को बोल्ड करना है। जैसे अभी एक मैं पैराग्राफ यहाँ लिख रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ पैराग्राफ, एक वर्ड में आप रैंड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो रैंडम भी कुछ भी इस तरह का आ जाता है। तो हमने इसको यहाँ पे टाइप कर दिया या कॉपी पेस्ट कर दिया, आप देख पा रहे हैं आया। अब मैं इसको एक बार यहाँ से सेव करता हूँ, सेव किया, सेव करते जैसे यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो ये सारा टेक्स्ट आ जाएगा, आ गया। अब इसमें जैसे कि जो टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ों पे आप वर्ड पे देखे तो, और वर्ड पे देख पैराग्राफ में था, जैसे डॉक्यूमेंट के बाद पैराग्राफ है, मतलब एक लाइन छोड़ा हुआ है, बट आपके वेबसाइट पे तो नहीं है। तो कैसे करेंगे इसके लिए, आप इसको एक बार पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले तो ये आपका एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग आ रहा है, इसको हम पी टैग देते हैं, या BR टैग दीजिए या पी टैग दीजिए, ये लाइन ब्रेक हो जाए आ जाएगा। और यहाँ वीडियोज ऑनलाइन, क्लिक ऑन वीडियोज, यू एम्बेड ऑल्सो कीवर्ड एंड डॉक्यूमेंट, क्या है आपका लास्ट में। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया पी टैग। तो पी टैग लगाते क्या हो गया कि आपका इसको जैसे हम F5 करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट ऐसी हर लाइन में आपको लगाना है। आप चाहते हैं कि आपका चार पैराग्राफ है हर लाइन में लगाना है, तो इसी तरह से आप लाइन को यहाँ से ब्रेक करते रहे और यहाँ आप अपना पी टैग लगाते रहे। तो पी टैग लगाने से आपका पैराग्राफ बन जाता है। अब मैं इसको एक बार सेव करके और इस बार एक रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए आपका पैराग्राफ। इस तरह से अपना पैराग्राफ यूज कर सकते हैं। अब हमने पैराग्राफ तो कर लिया, यहाँ पे पी टैग लगा देता हूँ, अब और यहाँ पे तो पी टैग ऑलरेडी है। अब मैं इसको F5 करता हूँ तो देखिए पैराग्राफ पे आ गया। तो जब कुछ टाइप करते हैं तो पी टैग से हम पैराग्राफ देते हैं, इसे मैं लास्ट टाइम ही बताए थे, अब ये बता रहा है। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें कुछ चीज़ों को बोल्ड करना है, जैसे पावरफुल आपको दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि पावरफुल को बोल्ड दिखे, ताकि हर किसी को दिखे कि हम पावरफुल हैं। कुछ ऐसा वर्ड, कुछ ऐसा सेंटेंस जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे दे दीजिए बी टैग। पर ध्यान रखिएगा बी टैग को क्लोज भी करना पड़ता है, अगर क्लोज ना करेंगे तो इससे नीचे जितना भी है सबको बोल्ड कर देगा। अभी एक बार मैं इसको सेव करके वापस रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि हाँ बोल्ड हुआ। अगर मैं इसको क्लोज नहीं करता तो क्या होता, मैं एक बार सेव करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सारा बोल्ड हो गया। इसलिए आपको बोल्ड को, बी टैग को हमेशा बोल्ड टैग को क्लोज करना होगा, अगर क्लोज नहीं करेंगे तो बोल्ड आपका नहीं होगा। अब बोल्ड के बाद हम बात करते हैं फॉन्ट टैग की। फॉन्ट टैग में क्या होगा, फॉन्ट बोल्ड एक इटैलिक भी होता है, जैसे हम यहाँ पे हमने आई टैग लगा देता हूँ तो क्या इटैलिक होगा, एक बार देखते हैं। हमने इसको सेव किया, यहाँ पे तो मैं एक डॉक्यूमेंट लिखा रहा है ना, इसको एक बार मैं यहाँ से
देखिए इटैलिक हो गया, इटैलिक मतलब हल्का हल्का तिरछा हो जाता है। तो बोल्ड कर सकते हैं और इटैलिक कर सकते हैं, दोनों एक साथ कर सकते हैं। अब इसको बोल्ड भी करना है, इटैलिक भी करना है, इसके आगे आई का लगा दीजिए। तो कोड को कितना मर्जी उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मुझे किसी का कलर्जी, यहाँ पे देखिए प्रोसीजर जो लिखा है या यहाँ जो यहाँ पर प्रोवाइडेड लिखा हुआ है, इसको मुझे अलग कलर करना है, रेड करना है। तो इसके लिए आपको लगाना होगा फॉन्ट टैग। क्या लगाना होगा? अब स्टाइल तो आपने लगाया था, पर स्टाइल तो क्या होता है, एक पैरा एक मतलब कि टैग को करता है, एक लाइन ऑफ टैग को करता है। बट यहाँ पे क्या है कि हमें एक पर्टिकुलर वर्ड को करना है, तो इसके लिए हम फॉन्ट टैग यूज करेंगे। फॉन्ट, फॉन्ट में हम यहाँ पे देते हैं कलर, color, कलर इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में हमने रेड लिख के यहाँ पे किया, और फिर जहाँ पे हमने फॉन्ट ख़त्म करनी है वहाँ पे स्लैश, यहाँ पे हमने फॉन्ट कर दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब इसको एक बार F5 कीजिए, देखिए आपका रेड हो गया। मैं रेड के साथ साथ इसकी साइज को भी बड़ा करना चाहता हूँ, साइज को बड़ा करना चाहता हूँ। तो आप इसी में कॉमा कर सकते हैं, कॉमा साइज, ठीक, कॉमा नहीं होता, माफ कीजिएगा, इसमें स्पेस होता है, साइज इक्वल टू आपने यहाँ पे दे दिया 7। अब मैं इसको बंद करता हूँ और फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, साइज बड़ा हो गया। तो फॉन्ट में इस तरह से साइज कर सकते हैं। दूसरा चीज, अब ये जो फॉन्ट है हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट है, डिफॉल्ट जो है हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट है, मुझे इसको एरियल में कन्वर्ट करना है। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम लगाएंगे फॉन्ट, फॉन्ट, और फॉन्ट के बाद हम यहां पे देंगे फेस, फेस इक्वल टू यहाँ पे एरियल, और क्लोज कर दिया और फॉन्ट को क्लोज कर दिया और सेव। यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए, देखिए अलग हो गया है, पहले से लिखावट इसकी बदल दें। अब जो डिफॉल्ट एरियल है, कैलिबरी है, ऐसे कुछ फॉन्ट डिफॉल्ट फॉन्ट होते हैं, बट मान लीजिए आपको हिंदी में काम करना है, फिर आपको आपके फॉन्ट का पाथ देना पड़ेगा, आपके पास फॉन्ट होना चाहिए। तो फॉन्ट टाइप के बाद हम बात करते हैं टाइम टाइप की। टाइम, जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे दिस इज, यहां पे एडवांस लिखा आ रहा है, ट्रेनिंग लिखा आ रहा है, बॉडी में हेडर 1 और 2 के बीच में हमारा सिस्टम का टाइम लिखे, तो मैंने यहां पे टाइम टैग लगाया। सेव करता हूं और इसको यहां से रिफ्रेश करता हूं। एक मिनट, यहाँ पे टाइम टैग स्टीमिंग 5 में होता है। जैसे मान लीजिए 10:20 कर दिया और फिर टाइम टैग को क्लोज कर दिया। टाइम टैग आ गया, पर ये टाइम टैग का कुछ और है, सीमन 5 में अगर टाइम डालते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा टाइम टैग आ जाता है, टाइम आ जाता है। देखिए एचटीएमएल 5 में होता है, इसलिए ये नॉर्मल एचटीएमएल है, एचटीएमएल 5 होगा इसमें आपको टाइम टैग आ जाएगा। टाइम टैग में क्या होता है, ये आपका, तो ये आपका जो 10:20 है, अगर मान लीजिए इसको मैं AM PM भी करना चाहता हूँ, PM कर देता हूँ,
ये पीएम आ गया, तो टाइम टैग ऑटोमेटिक टाइम का फॉर्मेट ले लेता है। और टाइम टैग में ही आप यहाँ पे आप डेट एंड टाइम भी लगा सकते हैं, डेट टाइम, तो टाइम का फॉर्मेट डेट एंड टाइम, और यहाँ पे आप जो है लिख दीजिए 2021 08 और यहाँ पे हम 22 डाल देते हैं, और टाइम में हम 20:10 और यहाँ जो है हम यहाँ पे कोई तो छुट्टी है हॉलीडे है लिख देते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने इसके अंदर दे दिया वीक ऑफ। अब इसको सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। सॉरी इन्वर्टर कॉमा छूट गया है इसलिए नहीं दिया, शो हो रहा, ठीक है। तो टाइम टाइम का फॉर्मेट इस तरह से हम डेट एंड टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एचटीएमएल फाइल में वर्क करता है इसलिए यहाँ आपको नहीं दिख रहा है। टाइम के बाद जो अगला आता है टैग वो आता है हमारा मार्क क्यू, ये बहुत अच्छा टैग है, आप लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग जब सीखते थे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज करते थे। जैसे कि मान लीजिए दिस इज एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग जो लिखा हुआ है यहाँ पे इस नंबर, इसका कलर हमने रेड किया हुआ है, अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये मूव करे, ये क्या करे मूव करे, तो इसके लिए यहाँ पे हम लगाएंगे मार्क क्यू टैग, MARQUEE मार्क क्यू, और फिर जहाँ पे हमारा जिस जितना सेंटेंस है उतने को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम मार्क क्यू को क्लोज करते हैं। अब इसको सेव करके देखिए, अब आपका मार्क क्यू टैब आप देखेंगे इस तरह से मूव, तो इस तरह से लेफ्ट टू राइट जो डिफॉल्ट है लेफ्ट टू राइट आता जाएगा, बट इसमें अगर आप चाहते कि नहीं इसका डायरेक्शन चेंज करना तो मार्क्यू के स्पेस दीजिए और यहाँ पे डायरेक्शन लिखिए, डायरेक्शन, डायरेक्शन में इक्वल मैंने मान लीजिए इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया अप। अब मैं एक बार इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, दिख रहा है आपको, लेकिन बोलेंगे नहीं नीचे जो था नीचे ऑलरेडी टेक्स्ट है, जितना नीचे जगह देंगे उतना एरिया में ऊपर से नीचे होगा। तो मान लीजिए ना मैं यहाँ पे पी टैग देता हूँ, दो चार पी टैग दे देता हूँ, बी आर दे देता हूँ इस तरह से। अब इसको देखिए, अब थोड़ा स्पेस इसका बढ़ जाएगा ना, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू डाउन। लेकिन अगर चाहते हैं कि बड़े से एरिया में मूव होता रहे, जैसे कि आप अगर कोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पे न्यूज है ऊपर से नीचे मूव होते रहता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फ्रेम का यूज करते हैं और फ्रेम में चीज़ें करते हैं जो कि हम आगे आपको बताएंगे। तो मार्क्यू टैब में आप डायरेक्शन के जरिए लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इमेज, अगर आपको कोई इमेज का यूज करना है, कोई इमेज लाना है तो कैसे लाएं? आपने वेबसाइट पे इमेज बहुत सारे इमेज देखे होंगे, तो इमेज के लिए जो होता है यहाँ पे वो होता है IMG टैग, IMG ध्यान देखिएगा IMG, उसके बाद आपको करना है SRC और फिर यहाँ पे आपका कोई नेम, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा जो है माय डॉक्यूमेंट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं माय डॉक्यूमेंट में कोई इमेज डालता हूँ, जैसे मैंने कुछ इमेज यहाँ पिक्चर्स उठाया और मान लीजिए मैंने यहाँ पे JPG फाइल है, हाँ इसको कॉपी किया और हमने माय डॉक्यूमेंट में डाल दिया, इसमें इसका नाम क्या है DPV, क्या नाम है
DTV और इसका टाइप क्या है JPG। देखिए कर्सर लगते दिख रहा है JPG फाइल, या फिर राइट क्लिक करके आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके देख सकते हैं कि आपका JPG फाइल है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे कोडिंग में आइए और इन्वर्टेड कोमा में डॉट JPG कर दीजिए और यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। आगे भी बता तो आगे भी चीज़ें हैं, लेकिन एक बार इसको सेव कर देते हैं, देन इसको फिनिश कर देते हैं। इमेज आगे क्लियर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका माई डॉक्यूमेंट में नहीं हुआ, माई डॉक्यूमेंट के अंदर किसी फोल्डर में हुआ, जैसे मान लीजिए जूम के अंदर, मैंने इसको जूम के अंदर डाल दिया, ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जूम स्लैश, ठीक है। अब यहां पे बोलेंगे कि मैंने यहां पे पूरा पाथ तो नहीं दिया ना, ये मैंने यहां पूरा पाथ नहीं दिया, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, दिख रहा है, देख इसने नहीं दिया कि जहां मेरा ये फाइल सेव है। देखिए HTML की जो फाइल होती है उसमें पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं होता, जिस फोल्डर के अंदर है उसके अंदर जो सब फोल्डर्स हैं उसके पास दे सकते हो, क्योंकि जो जूम का है माय डॉक्यूमेंट के अंदर, अगर जूम जो है वो अगर डी ड्राइव सी ड्राइव में होता तो फिर आपको उसका कंप्लीट पाथ देना पड़ता। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस फोल्डर में आप अपना एचटीएमएल फाइल सेव कर रखे हैं उसी फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बना के फिलहाल तो डायरेक्ट उसी फोल्डर में डाल दीजिए, अदरवाइज एक सब फोल्डर बना के उसके अंदर डाल दीजिए, तो आपको यहाँ पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका जो टैग है वो टैग आपका है जूम टैग, IMG टैग। तो आज हमने सीखा बोल टैग, IMG टैग, टाइम टैग, फॉन्ट, मार्किंग। तो फिलहाल इसकी आप प्रैक्टिस करें, अगली क्लासेस में इससे आगे की टैब के बारे में डिस्कस करेंगे।